ਤੂੰ ਕਰਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਤਾਂ ਸਨਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੋਜ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੋਜ ਜੋਗੀਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਤੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਤੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਤੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਤੇਰੇ ਮੰਦੀ ਮੋਜ ਸੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਤੇਰੇ ਮੰਦੀ ਮੋਜ ਜੋਗਿਆ तो गाइस चेक करो भाई काफी अच्छा मेरे मामा जी ने गाना गाया और गाइस गर्मी काफ़ी ज्यादा अभी फराठा भी लगाएंगे बाहर देखो भाई साहब कितनी गर्मी मामा जी गर्मी लग रही है यार हाँ जी बहुत ज्यादा हाँ तो गाइस मामा जी ऐसे बात करनी जैसे कि हमारा हमारा कोई रिश्तेदार है कै हमारा कोई दोस्त है ऐसे बात करनी है कैमरे के सामने ठीक है और गाइस मामा जी खुल के बोलना ठीक है कैमरे के सामने तो गाइस मामा जी ने आपने देखा हो गाइस काफी अच्छा गाना गाया है और गाइस हाँ ग बोलो मां जी कुछ भी बोल सकते हैं आपकी ख्वाहिश है आप, आप कि आपको अच्छा गायकार बनना है कुछ ऐसा बोल सकते हो अपने मन से मन से मेरी खुशी है मैं है। भी कलाकार बनना चाहता हूं उम्र मेरी तो काफी हो चुकी है ते मनच खुशी यही है, है मैं काफी देर दा गांदा हूं लेकिन मैं चुकदा रहया ते छोटी उम्र च मेरी बहुत सोणी आवाज हुंदी ते तो गाइस मामा जी को बचपन से गाना गाने का काफी शौक है नहीं, मामा जी आप बताओ मेरे को किसको देख के आपने एक गाना सीखा कि मैं ऐसे गाने गाऊंगा कौन सा फेवरेट आपका एक्टर एक, दिल तो, दिल तो है हाँ, नहीं आपने दिल से तो तैयार किया मेरे को बताओ आपने किस एक्टर को देख के कि मैं दुनिया घूम भी नहीं फिरी नहीं अच्छा तो गाइस मामा जी ना काफी या मजदूरी करते हैं गाइस काफी चार के मतलब पड़े हैं चार जब आता पढ़ने के बाद मेरे दिल से पिछले ही चैन आया पे मैं गाने बनाने में पर मैं काफी गाने बना चुके रहा लेकिन मेरे ने मेरी कोई बाफड़ने वाला नहीं है और मेनू कोई आगे चलाने वाला नहीं है अलग-अलग है तल्ला तल्ला मैं जाते चलने फैसला इसी फोर्स पर इसने मैं गाय कार बनावे गाने इतने सोने बड़ी-बड़ी गाने बांधा तो गाइस आपको मैं बता दूं मामा जी इतने तगड़े गाने गाते हैं ना गाइस आप जो मर्जी गाना बनवा लो मामा जी से इतने सुंदर गाने अभी मामा जी बुमार है इनकी थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी खराब है और थोड़ी सी गला थोड़ा ठीक नहीं है मामा जी का और गाइस मामा जी के थोड़े से दांत ना ऐसे करके थोड़ी से ख़राब है इसलिए थोड़ी आवाज़ अच्छे से नहीं निकलती जब मामा जी थोड़े ठीक हो जाएंगे थोड़े मतलब ठीक ठाक हो जाएंगे आवाज़ काफ़ी अच्छी आएगी गाइस और गाइस मामा जी ने थोड़ा गाना गाया मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और गाइस आपको मैं बताऊंगा गाइस प्लीज़ इस वीडियो के अंदर एक लाख लाइक कर देना तो गाइस मेरे को पता है इस वीडियो के अंदर एक लाख लाइक तो नहीं हो सकते और गाइस जब कर दोगे ना इस वीडियो के अंदर एक लाख लाइक मामा जी का मैं चैनल बना के दूंगा और गाइस तब मैं मामा जी का गाना बताऊंगा गाइस आपने सुना होगा और थोड़ा सा म्यूजिक वाला बता दूंगा मैं गाना कि नहीं देगी तो गाइस एक लाख लाइक करो फिर मैं आपको बताऊंगा ठीक है मामा जी आपका चैनल बनेगा ठीक है जी ठीक है तो गाइस मामा जी फिर कैसा लग रहा फिर आप इतने दिनों बाद आए हमारे घर पे मैम बहुत खुशी है बहुत खुशी है मैं हाँ जी तो गायस आज मामा जी ने मेरे को भी काफी खुश कर दिया जब मैंने मामा जी का रकोट सुने चल अच्छा मम्मी बस करो अभी चाय बनाओ मामा जी को चाय बना देना तो गाइस गाय हाँ अभी चाय बनाएंगे तो गाइस मम्मा ने चाय लाने के लिए मतलब चाय लाने दूध लाने के लिए भेजा था और साथ में बिस्किट भी लेके आ गया ठीक है बिस्किट भेजती होने ये चाह बना बदिया करके मामे वास्ते देना मामा एड्डी दूर आया है नहीं मामा जी तो गाइस गर्मी भी काफी रही है अभी जल्दी से फाटा उठा के बाहर लगा देता हूँ गाइस पूरा प्रशीनों प्रशीनों हो गया मैं तुम तो गाइस अभी मैंने मंजा और पराठा भी डाल दिया और गाइस जेरे मेरे मामा जी और एक बात बताना तो भूल ही गया और गाइस एक गाना इतना नहीं है एक गाना चाहे मामा जी दो घंटे का बना दे

तो भाई इस मामा जी को हवाबाजी समझ लें मेरे को भी बचगी इधर बैठ जाता तो मामा जी के पास में और गए इस मामा जी काफी बीमार थे ना मेरे को काफी ज़्यादा मतलब मामा जी बीमार थे मतलब क्या फाइनली हमारी चाय भी आ चुकी है और मामा जी भी चाय पी रहे हैं मामा जी हम तो पत्ती डालते नहीं है दूध वाली चाय है बताओ जी पत्ती वाली पीते भी आवेगी दूध वाली पीते हो बताओ पत्ती वाली तो गाय साहब मामा जी को पत्ती वाली चाय पसंद है हम तो दूध वाली पीते हैं मामा जी को दूध वाली पीनी पड़ेगी ठीक है मामा हाँ जी

तो गाइस सोच रहे हैं रामलीला जब स्टार्ट होगी हम बात करेंगे वहां मामे मोहम्मद से गाना गवाएंगे गाइस काफी अच्छा गाना गाते हैं गाइस काफी गाने आते हैं अनगणित गाने जो मर्जी आप गाना बनवा लो से जो मर्जी गाना आप मामा आपे बनवा दे आप ही गांधी गाइस किसी का गाना नहीं उठाते अपना गाना आपे गाते हैं अपने काम जब करते हैं ना अपना काम करते, कान, काम करते है काम करते हुए काम करने की खुशी में खुशी भी क्या कह सकते काम करने की खुद कुदरत तो ही मामा जी खुद अपना गाना बनाते हैं खुद ही गाते हैं मामा जी तो गैस, माम पापा जी तो को भी काफ़ी अच्छा लगा मैंने म्यूजिक लगाया था ढोल भी लगाया था सारा कुछ लगाया था पापा को काफी अच्छा गाना लगा मैं आपको बता नहीं सकता नहीं तो म्यूजिक का मेरे को स्ट्राइक भी भी पड़ सकता है, वो पी भी पड़ सकता सकता है है इसलिए मैं म्यूजिक नहीं लगाने वाला आपको मैंने सादा म्यूजिक बताया था ना वही आप सुन लो नहीं तो मैं ढोल वाला बताऊंगा मेरे को स्ट्राइक पड़ेगा गाना बहुत बड़ा आगा इस रियल में मैं ऐसे मैंने मामा जी को आर के बस कर ज्यादा गाना नहीं गाना मम्मी अभी पापा के लिए चाय बनाने लगी है और मम्मी प्यादा भी चार पानी तो दे दिए पापा को अभी थोड़ी देर में आए थे ठंडे पानी पिया दिए पापा को गाइस अभी हम देख रहे हैं टीवी और टाइम चेक कर सकते कुछ इतना हो रहा है तो गाइस टीवी देख रहे थे गाइस अभी टीवी वाले अंकल आए थे टीवी ठीक तो कर दी है और वाली डिश चेंज कर दी गाइस ये नौ सौ रुपए की डिश आई है ये छोटी सी डिश है ये वाला लगा और इसका चार्जर चेक करो गाइस चार्जर जैसा इसका एडेप्टर है इस वाली डिश का छोटी सी डिश है गाई इस टीवी वी के साथ चल जो हमारी पहली बारी डिश थी वो ख़राब थी यौ सौ रुपए की है डैडी नौ सौ किन्नी है नौ सौ रुपये की पंजा रुपये रिपेयर दे लगे गए इस इसके पचास सौ रुपये रिपेयर के और गए इस अंकल ने लिए और गाए ये दो स्पीकर तो चले नहीं अंकल ने मना कर दिया कि पहले से ख़राब है गाइस दो स्पीकर एक इधर वाला एक उधर वाला, वाला, वाला ये नीचे वाले दो चल रहे हैं वो भी एक चल रहा था और अचानक से ये भी चल पड़ा अंकल ने ठीक कर दिया वैसे रिमोट के साथ टीवी के साथ कुछ होता होगा और मम्मी फिर कितना लगेगा टी टीवी ठीक हो गया पैसे कि नहीं लगे ਖਾਣਾ ਹਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆਣੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਚਾਤੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗਾਇਸ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਟੀਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰੇ ਮੰਮੀ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਹਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਔਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਐ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਮਾ ਸੋਚਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਈਏ ਅਗਲੀ ਵਾਰ <laughs> कोई गाना चाहेंगे ना ले जी नहीं लिंदा <laughs> <laughs> तो गाइस ये बहुत बड़े हमारे सिंगर है के मामा जी और यहाँ मेरे पापा टीवी चला रहे हैं तो गाइस आज तो गाइस मैं सोच रहा हूँ आज कब लोग इधर तरह रखते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर बहुत जल्द पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और गाइस आप सोच रहे होंगे अभी क्या करेंगे अभी थोड़ी देर मामा जी के साथ थोड़ी सी बातें करेंगे और गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर बहुत जल्द पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब